लड़ाई के लिए अमेरिका तक पहुंचने वाली सुदीक्षा भाटी, उनके माता पिता ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की और अपना दर्द साझा किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सुदीक्षा के लिए चार बड़ी घोषणाएं की। उसके गांव में प्रेरणा स्थल लाइब्रेरी बनेगी, साथ ही परिवार को 15 लाख रुपए सीएम की तरफ से और 5 लाख रुपए राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर की तरफ से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने सुदीक्षा की मौत को देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। सीएम ने कहा कि प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी से क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने और पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर दादरी विधायक तेजपाल नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर भी मौजूद रहे। जनपद लखनऊ में आयोजित हुई नीट परीक्षा का जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सबसे पहले भारतीय विद्या भवन पब्लिक स्कूल गोमती नगर पहुंचे और नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के संबंध में एग्जामिनेशन रूम, परीक्षा पर्यवेक्षकों की व्यवस्था, सीसीटीवी के माध्यम से हर क्लासरूम की मॉनिटरिंग को देखा। जिलाधिकारी ने विद्यालय के कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी से सभी परीक्षा कक्षों की व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने निर्देश दिया कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें।